बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर जफर यूट्यूब पेज ट्यूटर चैनल से। टॉपिक है हमारा आज मार्केट की टाइप्स। इस पर मेरी वीडियो स्टूडेंट्स पहले भी काफी देर पहले लॉन्च हो चुकी है। आज हम छोटी सी वीडियो लेके आए हैं कि परफेक्ट ऑफ मार्केट टाइप्स ऑफ मार्केट हैं क्या। बुनियादी तौर पर तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन असल में ये चार ही टाइप्स हैं मार्केट की। नंबर वन परफेक्ट कॉम्पिटिशन की मार्केट हो सकती है, नंबर टू मोनोपोली हो सकती है, ओलिगोपोली हो सकती है, ड्यूपोली हो सकती है, मुकम्मल मुकाबला की मार्केट, अजारादारी की मार्केट, चंद की अजारादारी या दो की अजारादारी वगैरह वगैरह। एक एक करके छोटी सी ब्रीफिंग दे रहा हूं मैं आपको। मुकम्मल मुकाबला की मार्केट, देखिए आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। आज सारी दुनिया एक दूसरे के साथ कंपटीशन के चक्कर में है। अगर आप कोई काम कर रही हैं तो कोई आप ऐसा काम सोचें जो कोई और नहीं कर रहा, यकीन कीजिए हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर ही आपके साथ वही बिजनेस करने वाले 5-7 अफराद आपको नजर आ जाएंगे। बोला कि एक आदमी आइडिया लेके आता है तो उस आइडिया को बहुत सारे लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं या उस आइडिया के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। यूं आज मेरे ख्याल के मुताबिक जो हमारे पास अजारादारी की मिसालें बहुत कम रह गई हैं, ज्यादातर आज हम मुकम्मल मुकाबला या नामुकम्मल मुकाबला की तरफ चले गए हैं। नामुकम्मल मुकाबला पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो मुकम्मल मुकाबला क्या है? जब आपके इर्द गिर्द वही चीज जो आप बेच रहे हैं, बेशुमार वही चीज लोग बेचने वाले मौजूद हों, कस्टमर्स को भी अवेयरनेस है, सारा कुछ है, तो फिर हम ऐसी मार्केट को, ऐसे बिजनेस को परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट का नाम देते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ और बहुत सारे लोग भी इसको सेल कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। सिंपल सी बात है कि आप कंपटीशन कर रहे हैं, और कंपटीशन किस किस्म का है? परफेक्ट है। इसका मतलब है कि बेशुमार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ भाई आपने एक दुकान बनाई, एक दुकान और बन गई साथ में, तो इसको हम परफेक्ट मार्केट का नाम नहीं देंगे। परफेक्ट मार्केट किसको कहेंगे? भाई बहुत सारे लोग हैं, हर मार्केट में हर जगह पर आपका बिजनेस करने वाले बेशुमार लोग मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं परफेक्ट मार्केट। नंबर दूसरे नंबर पर आते हैं मोनोपोली, अजारादारी। स्टूडेंट ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें आप अकेले प्रोड्यूसर हैं, ये चीज कोई और प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बस आप अकेले हैं। मैं बार बार कह रहा हूं। और अच्छा, खरीदने वालों की तादाद कितनी भी हो सकती है। अच्छा, अगर यहां आप बेचने वाले अकेले हैं तो एक और भी प्रॉब्लम आएगा, और वो क्या कि चूंकि आप अकेले प्रोड्यूसर हैं, आप अगर चीज बेचना बंद कर दें तो कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, या तो वो चीज आपसे ही खरीदें या फिर घर चले जाएं। आप महंगी बेचें, सस्ती बेचें, कुछ नहीं हो सकता। सस्ती बेचें, कस्टमर मजबूर होगा उसी पर खरीदने के लिए। महंगी बेचें, कस्टमर मजबूर होगा उसी पर खरीदने के लिए। आप घर चले जाएं, शटर डाउन करके, आप शटर बंद करके, आप दुकान बंद करके घर चले जाएं, प्रोडक्शन बंद कर दें, कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि और है ही नहीं आपके साथ। जबकि यहां ये होता है कि अगर आप नहीं भी कारोबार करते, नहीं भी चीज सेल करते, तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो और इस बात को सेल कर रहे, इस चीज को सेल कर रहे होते हैं। इसकी बड़ी मिसाल जो है परफेक्ट कंपटीशन की, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ये जो अंडे की मार्केट है वो परफेक्ट मार्केट में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम आटे की बात कर लें तो ये भी परफेक्ट मार्केट में आ जाएगी। जाहिर है कि अंडे की कीमत में एक जगह पर इजाफा होता है तो हर जगह पर ही इजाफा, एक में कमी, हर जगह पर कमी। ऐसा नहीं है कि ये दुकानदार 20 रुपए का अंडा बेच रहा है, साथ वाला 25 रुपए का बेच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर अवेयर है इस बात से। 25 रुपए को क्यों खरीदेगा? वो फौरन कल के दुकानदार को कहेगा भी भाई साथ वाला तो 20 की बेच रहा है जी, लिहाजा या तो कस्टमर टूटेगा या फिर उसे भी 20 रुपए की चीज करना पड़ेगी। लेकिन मोनोपोली में, अजारादारी में क्या है, कस्टमर ये बात नहीं कह सकता कि भाई आप कितने की बेच रहे हैं। अगर आप कहेंगी तो वो कहेंगे नहीं खरीदे आप, और ना खरीदने का ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, कहां जाएंगे, इसी से खरीदेंगे, वरना आपको उस चीज के बगैर ही लाइफ गुजारना होगी। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट परफेक्ट कंपटीशन के बाद मोनोपोली के बाद ड्यूपोली। असल में मोनोपोली की ही एक टाइप है, जब चीज को बेचने वाले एक की बजाय दो हो जाए तो हम इसको ड्यूपोली का नाम देते हैं। दरअसल ये मोनोपोली की एक टाइप है, बड़ी बात नहीं। अच्छा, मोनोपोली की जो अगर हम मिसाल देखना चाहें, इस वक्त मेरे ख्याल है कि दुनिया में अजारादारी की जो प्योर एग्जाम्पल्स हैं बहुत कम है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बैकग्राउंड में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नोट प्रिंटिंग करने में उसे कुल्ली तौर पर अजारादारी हासिल है, इसलिए हम इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नोट की प्रिंटिंग में मोनोपोली का नाम देंगे। एक जमाना था, एक वक्त था कि पाकिस्तान में रेलवे मोनोपोली होता, PIA मोनोपोली की एक टाइप थी, PTCL मोनोपोली की एक टाइप थी, लेकिन PTCL के मुकाबले में बहुत सारी कंपनीज आ गई, इसकी मोनोपोली टूट गई। इसी तरीके से अगर आप PIA की बात करें और बहुत सारी एयरलाइंस आ गई तो इसकी भी मोनोपोली टूट गई।
लेकिन प्रिंटिंग ऑफ करेंसी आज भी स्टेट बैंक पाकिस्तान के पास है। आप स्टेट बैंक के अलावा किसी और को नोट छापने की इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए प्योर मोनोपोली जो असल हमारे पास मिसाल है वो नोट प्रिंटिंग की है। पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक ही नोट प्रिंट करता है। ओलिगोपोली की और ओलिगोपोली की बहुत सारी मिसालें हैं। अगर आप दो आदमी इकट्ठे हो जाए तो ओलिगोपोली हो जाएगी। दो आदमी मार्केट में, सिर्फ दो ही आदमी है किसी भी टर्म एंड कंडीशन पर, जिसको हम ओलिगोपोली का नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो में। और बहुत सारा ख्याल रखिए, लेकिन जाने से पहले आपको ये पता चला जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और फॉलो जरूर करना है। अपने दोस्तों को बताया करें, अपने जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिख के भेज दिया करें। हमारी प्रायोरिटी होती है कि आपके कमेंट्स को जल्द से जल्द रीड करें और उसको जल्द से जल्द जवाब दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।